ओके सामने स्टूडेंट्स, बड़ी मेहरबानी है आपको, ऐसे में अगर फेल हो गए हैं तो कम से कम खुद को धोखा मत दें। अब मुझे बेशुमार बच्चों के जो रابطہ करते हैं YouTube के ज़रिए या किसी हवाले से, वो मुझे क्या कहते हैं, कहते हैं कि सर हम ऐसे में फ़ेल हो गए। अच्छा जी, क्यों फ़ेल हो गए? इसलिए फ़ेल हो गए कि हमने ये टॉपिक चल रहा था और इसके अंदर हमने ये बात भी कर दी, हमने ये थोड़ी सी कॉजेज़ दे दी, थोड़ी सी रिकमेंडेशन दे दी, ये सर हमने एक डेफिनेशन भी दे दी थी, हमें लगता है कि हम इस डेफिनेशन की वजह से फ़ेल हो गए। हमने एक वो मुल्क का कंपैरिजन दे दिया था, हम उस कंपैरिजन की वजह से फ़ेल हो गए। पहला कि बंदो, CSS में ऐसे में फ़ेल करने के लिए एग्जामिनर इतने बेवकूफ़ी वाले तरीके नहीं ढूंढता। मतलब आप सिंपल ये चीज़ समझ लें कि 7 चीज़ों पे उसने आपको एनालिसिस करना, आपको एनालाइज करना है। उसने आपकी सिर्फ रेलेवेंस देखनी है। पहली चीज़, अगर आप रेलेवेंट हैं, आपने जो बात की है उसके टॉपिक को हिट कर रही है, तो इट्स ओके। 30,000 बच्चा है, ये तो कॉमन सेंस है कि कोई बच्चा ये बातें करेगा, कोई वो बातें करेगा, कोई वो बातें करेगा, वो सारी बातें ठीक होंगी। एक बात ज्यादा कर दी, एक कम कर दी, इससे फर्क पड़ता ही नहीं है। अगर आप उसके टॉपिक को डायरेक्टली हिट कर रहे हैं, जो बात उसने पूछी है उसी पर बात कर रहे हैं, तो इन छोटी छोटी चीजों से जो है वो निकलें। फिर और वो क्या चीज देखता है, वो आपको अगर आपकी क्वांटिटी अगर पूरी नहीं होगी, उसको लगेगा कि 2,500 लफ्ज नहीं है, वो आपको फेल करेगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर उसको ये लगेगा कि आपने जो बातें की हैं वो बिल्कुल बच्चों वाली हैं, रेलेवेंट लेकिन बिल्कुल बच्चों वाली हैं, कोई आपने स्पेसिफिक डेटा नहीं दिया, कोई आर्गुमेंट्स के अंदर जान नहीं है, आपने किसी को कोट नहीं किया, कोई किसी मुल्क का हवाला नहीं दिया, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, किसी इदारे का नाम नहीं लिखा, वो आपको फेल कर देगा। तो ये रीजन हो सकती है फेल होने की। अंग्रेजी की बात आई तो अंग्रेजी के बीच में वो देखेगा कि अंग्रेजी दुरुस्त है कि नहीं है। बहुत सारे बच्चों की 90% की तो अंग्रेजी दुरुस्त नहीं होती। और ये बात मैं नहीं कहता, ये 2016 से लेकर 2019 तक के FPSC की रिपोर्टें हैं, बकायदा एनालिसिस है। वो कहते हैं बच्चों की अंग्रेजी ही गलत। फिर वो देखेगा कि आपकी इंग्लिश मैट्रिक के बच्चे के लेवल की है या मैच्योर लेवल की है, उसकी मैच्योरिटी चेक करेगा, आपने वोकैबुलरी क्या आपने यूज की है, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। और फिर वो देखेगा कि लिखाई साफ सुथरी है, पढ़ी जाने के काबिल है कि नहीं। बहुत सारे बच्चे जो मुझे टेस्ट भेजते हैं, टेस्ट चेक करवाते हैं, 70% के बीच में मेरा कमेंट ही होता है कि अल्लाह का नाम है, लिखाई बेहतर कर लो वरना इस लिखाई से तुम पास नहीं होते। तो भाई अगर उसको लिखाई ही समझ नहीं आएगी तो वो क्या करेगा। एंड देन एक बात करने का एक तरीका है, दलील देने का एक तरीका है, एक मौसर अंदाज है, बात शुरू कहाँ से करनी है, ख़त्म कहाँ से करनी है। तो खाली इस चीज़ को अगर आप समझ लें कि ऐसे इस चीज़ का नाम है कि ये बात की, ये नहीं करनी थी, वो बात की, वो नहीं करनी थी, बहुत बचकाना सोच है। जब तक आप इस सोच के ऊपर रहेंगे, आप बाकी जो 6 चीज़ें हैं उनको मिस करेंगे। 7 चीज़ें हैं ऐसे में जो चेक को नहीं है, मैंने 1 by 1 सारी गिनवा दी हैं। रेलेवेंस उसमें 1 है, 6 उसके अलावा हैं। और रेलेवेंस क्या है, डायरेक्शन में जाते हुए, इस्लामाबाद जाना है, मोटरवे पे आप जा रहे हैं, फैसलाबाद के थ्रू इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, गुजरावाला के थ्रू पहुंच रहे हैं, डायरेक्शन अगर ठीक है तो ओके, एग्जामिनर को कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उस बुनियाद पे फेल नहीं करेगा। अपनी बाकी 6 चीज़ों पर ध्यान दें। विश्व का शुक्रिया।